हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर मधुस फिजियो क्लासेस। इस चैनल में मैं आपसे बात करती हूँ फिजियोथेरेपी के रिलेटेड बहुत सारे बेसिक टॉपिक्स के बारे में, और वो भी हिंदी में। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए ये चैनल काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आप मुझे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को इंक्लूड करूँ जो मेरे व्यूअर्स द्वारा पूछे गए हैं। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथीज ऑफ द लोअर लिम्ब। रिसेंटली एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि मैं एनाटॉमी ऑफ एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूं, तो उसी रिलेटेड ये वीडियो होगा इन सम पार्ट्स। एक ही वीडियो में सारे न्यूरोपैथीज की बात करना तो पॉसिबल नहीं है। मैं कोशिश करूंगी एक दो नर्व्स को मैं हर वीडियो में इंक्लूड करूं और इस तरीके से इस टॉपिक को खत्म करूं। सो बात करते हैं अबाउट एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथीज। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, एंट्रैपमेंट मतलब नर्व कहीं पे फंस गया हो, एंट्रैप्ड हो गया हो, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी एक पेरिफ्रल न्यूरोपैथी होता है। पेरिफ्रल न्यूरोपैथी यानी पेरिफ्रल नर्व्स की कोई असुविधा, और अक्सर पेरिफ्रल नर्व्स की असुविधाएं दो तरीके की होती है, कंप्रेसिव एंड नॉन कंप्रेसिव। एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथीज को हम कहते हैं कंप्रेसिव पेरिफ्रल न्यूरोपैथी। और पेरिफ्रल नर्व्स का कंप्रेशन कब हो सकता है या फिर उनकी एंट्रैपमेंट कब हो सकती है, जब वो पर्टिकुलर किसी लोकेशन से गुजरते हैं जहां पे कोई फाइब्रो ऑसियस टनल है, या फिर वो किसी मस्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर से, या फिर किसी फाइबर स्ट्रक्चर के अंदर से या पास से गुजरते हैं। अब आपको पता ही होगा कि पेल्विस और लोअर लिम्ब को जो मोटर और सेंसरी इनर्वेशन प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं लंबोसेक्रल प्लेक्सस। लंबोसेक्रल प्लेक्सस में लंबार प्लेक्सस होता है और सेक्रल प्लेक्सस होता है। लंबार प्लेक्सस बना होता है फ्रॉम द एंटीरियर रेमाई ऑफ L1 टू L4 नर्व रूट्स, और कभी कभार T12 का भी कंट्रीब्यूशन इसमें होता है। और अगर हम सेक्रल प्लेक्सस की बात करें तो ये फॉर्म होता है बाय द एंटीरियर रेमाई ऑफ L4 टू S4 नर्व रूट्स, और ये जो दोनों प्लेक्सेस होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं बाय द लंबोसेक्रल ट्रंक, जो कि L5 नर्व रूट से बना होता है टू फॉर्म द लंबोसेक्रल प्लेक्सस। अब लोअर लिम्ब की सबसे पहली नर्व जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सायाटिक नर्व, और सायाटिक नर्व की एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी काफ़ी आम है। हमारे क्लिनिक्स में अक्सर ऐसे पेशेंट आते हैं जो इस तरीके की असुविधा से गुजर रहे हो। सो बात करते हैं इसकी एनाटॉमी की। जैसे आपको पता है कि सायाटिक नर्व अराइज होता है फ्रॉम द एंटीरियर डिवीजन ऑफ L4 टू S3 नर्व रूट, और पेल्विस को छोड़ता है थ्रू द ग्रेटर सायाटिक फोरामेन। आप इस पिक्चर में देखिए किस तरीके से ग्रेटर सायाटिक फोरामेन से वो बाहर की ओर जा रहा है पेल्विस से, और ये ग्रेटर सायाटिक फोरामेन कहाँ होता है, एट द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द पायरीफॉर्मिस मसल। और इस सायाटिक नर्व का काम होता है कि ये मोटर सप्लाई देता है टू द बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस और एडक्टर मैग्नस, जो हैमस्ट्रिंग का पोर्शन होता है एडक्टर मैग्नस का। इन चारों मसल्स को मोटर सप्लाई सायाटिक नर्व देता है, और सायाटिक नर्व आगे जाके डिवाइड होता है इनटू टीबियल एंड कॉमन पेरोनियल नर्व, जो कि आगे जाके मोटर और सेंसरी सप्लाई देते हैं टू द एंटीरियर लैटरल एंड पोस्टीरियर लोअर लेग एज वेल एज टू द सोल ऑफ द फुट। अब अगर हम प्रॉक्सिमल सायाटिक नर्व की बात करें तो ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है किस तरीके से, ट्रॉमा से, किसी ट्यूमर से या फिर हेमाटोमा से, और इसकी कंप्रेशन हो सकती है सब ग्लूटियल स्पेस में, जिसको हम कहते हैं डीप ग्लूटियल सिंड्रोम। और डीप ग्लूटियल सिंड्रोम का कारण होता है पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम, इसियोफेमोरल इंपिंजमेंट एंड फाइब्रोवैस्कुलर बैंड। इसके अलावा जो डिस्टल ब्रांचेस है सायाटिक नर्व के, ये डैमेज हो सकते हैं किसी भी तरीके के फ्रैक्चर से, बैंडेजेस से, ट्यूमर से, जैसे कि गैंग्लियन सिस्ट से। पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम का जो डायग्नोसिस है ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर है, बट मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर लंबोसेक्रल स्पाइन में कोई पैथोलॉजी नहीं है तभी आप सोच सकते हैं कि पायरीफॉर्मिस मसल की वजह से शायद ये जो सायाटिक नर्व है ये दबा हो, और उसकी वजह से आपको सायाटिक नर्व एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी के जो भी साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो दिख रहे हो। सो पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम में क्या होता है, ये जो सायाटिक नर्व है ये कंप्रेस हो जाता है इन द ग्रेटर सायाटिक फोरामेन बिकॉज ऑफ डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू पायरीफॉर्मिस मसल।
अब हो सकता है कि कुछ इंट्रिंसिक पायरिफोमिस मसल की पैथोलॉजी हो, मतलब मसल ही हाइपरट्रॉफिड हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ग्रेटर सायटिक फोरामेन के लेवल में कुछ और पैथोलॉजी हो. फॉर एग्जांपल शायद कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हो, या फिर सेक्रोइलाइटिस की वजह से कोई इडिमा हो. और कुछ और पेशेंट्स में क्या होता है, ये जो सायटिक नर्व है ये पायरिफोमिस मसल के अंदर से होकर ही गुजरता है. सो इन सारी वजहों की वजह से एक एंट्रैपमेंट हो सकता है सायटिक नर्व का, और इसकी वजह से जो भी सायटिक नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक न्यूरोपैथिक पेन हो सकता है, लेग में हो सकता है, ये बटक में हो सकता है. और एमआरआई के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि सायटिक नर्व का कोई एनाटॉमिकल वेरिएशन है क्या, या फिर पायरिफोमिस मसल में कोई हाइपरट्रॉफी है क्या, या फिर कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है क्या. तो जो रीजन है उसका एमआरआई अच्छे से पता लगा सकता है, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमायोग्राफी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर डायग्नोसिस. सो दिस वॉज अबाउट एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी ऑफ द सायटिक नर्व. आने वाले वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगी टीबियल नर्व की, और फिर उसके आगे जैसे जैसे इसके ब्रांचेस होते जाते हैं किस तरीके से टिल द फुट अलग अलग लेवल्स पे एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथीज हो सकती है. और उसके आगे फिर हम बात करेंगे अबाउट द ऑब्टुरेटर नर्व एंड फिमोरल नर्व की. सो स्टे ट्यून टू माई चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे. थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, टिल देन स्टडी वेल.